क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेट करना है x cos इनवर्स x dx को। इसमें जब बाय पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, cos इनवर्स x, तो i इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x dx, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकंड x dx और होल dx। cos इनवर्स x तो एज इट इज, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव x स्क्वायर बाई 2, माइनस का आएगा ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा dx। अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन कर चुके थे बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें क्या कर दिया जाए, यहां पर एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बाई 2 तो है ही एज इट इज, हमें यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। अब क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड कर लो तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग तो यहां पर क्या जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये जो ब्रैकेट अंदर जाएगा इसके तो यहां क्या कर देगा, प्लस 1 बाई 2 तो है यहां पर, माइनस का प्लस, प्लस 1 बाई 2, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये एज इट इज, ये तो एज इट इज ही रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यार दीजिएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट एक्सरसाइज जब कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पे रखेंगे आप। और सेकंड मेथड तो है आपके पास, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करके देख लीजिए, उससे आ जाएगा। मैंने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 7 x sin इनवर्स x, बिल्कुल उसी जैसा है।